हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर। उसी का बचा हुआ भाग आज कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया अंत तक देखें। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रथम प्रश्न है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचार्ज पाया जाता है? तो इसका आंसर है कवक मूलक। कवक मूलक। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंद फंगी बोलते हैं इसको। ईस्ट और मशरूम फफूंद है। अगला क्वेश्चन, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? सेल्यूलोज। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक सेल्यूलोज है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? लाइकेन कवकों और शैवालों से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो अधिकांश कीट वातक तंत्र के द्वारा शोषण करते हैं। कुनेन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है। कुनेन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है, तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, कुनेन। आगे है, सेब में पाए जाने वाला लाल रक्त का क्या कारण है? सेब में पाए जाने वाला लाल रक्त का कारण है एंथोसाइनिन के कारण सेब लाल रंग का होता है। आगे चलते हैं, टमाटर में लाल रक्त किसके कारण उपस्थित होता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर लाल रंग का होता है। अगला है, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है सोरोसिस। सोरोसिस। आगे है, सर्पों की 20 ग्रंथियां किसके समांग है? सर्पों की 20 ग्रंथियां किसके समांग यानी होमोजीनियस है? तो कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथि के होमोजीनियस है सर्पों की 20 ग्रंथियां। आगे है, निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस भाग में पाया जाता है? तो यह मेघालय में पाया जाता है। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो चट्टानों पर उगने वाले पादप शैलोद्भिद कहलाते हैं। घटपवर्णी कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आते हैं। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट के रूपांतरित हो जाते हैं। घटपर्णी एक प्लांट है जो कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इस पौधे की पत्तियां
पत्तियों के पर्ण फलक घटक घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। अगला है, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ऊंट, ऊंट जो है अपनी आंत में, उसके पीठ पे कुबर टाइप का होता है, उसमें जल का संग्रह कर लेता है और महीनों तक बिना पानी के रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? कोलोसल स्क्विड, आगे है, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा परकंद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो लाल मिर्च जो है कैप्सेसिस की उपस्थिति के कारण तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपाई जीव कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनपाई जीव व्हेल है। व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है। आगे है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? प्यूपा अवस्था में। रेशम का कीड़ा जो है प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। आगे है, गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड या समतापी आइसोथर्मल जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। वार्म ब्लडेड या आइसोथर्मल जंतु के शरीर का तापमान सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मछली का उदाहरण है। समुद्री घोड़ा मछली का उदाहरण है। वह कौन सा स्तनपाई है जो अंडे देता है, बच्चे नहीं? एकिडना वह स्तनपाई है जो अंडे देता है, यह बच्चे नहीं देता। अगला है, जानने की इच्छा प्रकट करना या गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को बानर गुणों से अलग करता है? जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को बानरों के गुणों से अलग करता है। अगला है, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। शुक्राणु मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका है। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील स्तनपाई प्राणी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? कॉर्क क्वेकर्स से प्राप्त होती है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? डॉल्फिन स्तनपाई के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। अफीम या मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं, गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना।
लहसुन, अगला क्वेश्चन है, लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध होता है। आगे चलते हैं, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधा को क्या कहते हैं? मरुद्भिद। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधा को मरुद्भिद कहा जाता है। क्वेश्चन है, वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? डायटम। डायटम आप देखे होंगे पानी में, जब किसी पत्थर या चट्टान के ऊपर भूरे रंग का एक परत जमा हो जाता है, उस परत में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसी सूक्ष्म जीव को डायटम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पपीते का पीला किस कारण होता है? पपीते कैरिका जेंथिल की उपस्थिति के कारण पीला होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से। पौधे के तना से हल्दी प्राप्त होती है। किस शैवाल से आयोडीन निर्माण होता है? भूरी शैवाल से। इसका वैज्ञानिक नाम लेमिनेरिया नामक शैवाल है, लेमिनेरिया। अगला क्वेश्चन है, वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तित करते हैं वे कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करके यौगिक बनाते हैं उसको नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं, इसलिए जीवित नहीं रह पाते हैं। अधिकांश नमक वाले अचार में ये जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है? ग्लाइकोजन। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रण करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया फिश को तालाबों और कुओं में छोड़ देने से मच्छरों पर नियंत्रण होता है, या मच्छरों को पनपने नहीं देता है तालाब में। अगला है, बिस्फेनॉल क्या है? बिस्फेनॉल एक रसायन है जो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है, मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविकों मुख्यतः प्राप्त की जाती है जीवाणु से। प्रतिजैविक मुख्यतः जीवाणु से प्राप्त की जाती है। ईस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य एंजाइम होता है? जाइमेस। ईस्ट कोशिका में मुख्यतः जाइमेस एंजाइम होता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? बहु प्रभाविता का नियम कहा जाता है। जब जब एक ही जीन दो या दो से अधिक विभिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो उसको बहु प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अगला है, क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो क्यूनिन सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। आगे है, मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पी, जिसको मटर बोलते हैं। आगे है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक वंशागति का जनक कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल जो है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय है? 20 से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अगला क्वेश्चन है, टिक और माइट किस जीव से संबंधित है? और माइट मकड़ी वंश से संबंधित है। बाहरी साउंड के कारण वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।